हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं मुकेश माता, आप देख रहे हैं हमारा अपना यूट्यूब चैनल एडवांस स्टडी पॉइंट। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जैक बोर्ड की ओर से जो अपडेट आया है उसके बारे में। आई होप कि आप सभी वैसे विद्यार्थी जो 10वीं और 12वीं बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, उन लोग अच्छा से तैयारी कर रहे होंगे। और आप लोगों का जो एग्जाम पहुँचने ही वाला है, और कितना दिन है अभी, ज़्यादा से 1 महीना बाकी है। आप लोग अच्छा तैयारी कीजिए, और इसी बीच आप लोगों को बहुत सारा काम भी पड़ता है, जिससे ज़्यादा टाइम आप लोग कहाँ पढ़ाई में बिताइए। और हम लोग का जो आज का टॉपिक है क्या है, जैक बोर्ड जो आप लोगों को परीक्षा किस स्टेप से लिया जाएगा, कितना दिन का एग्जाम होगा, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। जो आप लोगों का जो एग्जाम लिखने वाले हैं वैसे विद्यार्थी, जान जाइए कि आप लोग ध्यान से देखिए इस वीडियो को, क्लास 10th और क्लास 12th के लिए, ठीक है। क्लास 10th का जो एग्जाम होगा आप लोगों का, कितना 2 दिन का बोर्ड एग्जाम होगा, कितना दिन का, 2 दिन के, 2 दिन में आप लोगों का कितना पाली होगा, 3 पाली, 2 दिन में कितना पाली होगा, 3 पाली, वो तीनों पाली प्रत्येक पाली में कितना कितना सब्जेक्ट होगा, 2-2 पाली होगा। और मैट्रिक के विद्यार्थी को बता देने, आप लोगों का जो पहला पाली का एग्जाम होगा उसमें क्या होगा, मैथ और साइंस दोनों कंबाइन होगा, दोनों को साथ में लिखना होगा। और उसके बाद जो दूसरा पाली होगा उसमें क्या हिंदी और इंग्लिश, और तीसरा पाली जो होगा उसमें आप लोगों को SST यानी सोशल साइंस प्लस एक्स्ट्रा जो सब्जेक्ट है उसको आप लोगों को लिखना होगा। और इसमें आपको बता दें टाइम, टाइम है आप लोगों का प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए 1.5 घंटा करके, कितना 1.5 घंटा करके है। और सभी सब्जेक्ट का जो क्वेश्चन को पढ़ने के लिए यानी प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए एक्स्ट्रा 15-15 मिनट का टाइम दे दिया जाएगा, यानी 1.5 घंटा करके कितना हो रहा है, 3 घंटा और 15-15 आधा घंटा, 15-15 मिनट करके आधा घंटा, यानी 3.5 घंटे का आप लोगों का एक पाली का एग्जाम होगा। उसी प्रकार में 3 दिन, 2 दिन में कितना पाली हो जाएगा, 3 पाली होगा। वो आप लोगों का तो एडमिट कार्ड में दिया रहेगा किस टाइप से टाइम कितना है, उसका तो यहाँ पर जिक्र नहीं किया गया उस अपडेट में। और जो 12th के लिए, 12th के लिए भी सेम वैसे होगा, लोगों का जैसे 2 दिन में कितना था 10th क्लास का, 2-3 पाली, आप लोगों का 3 दिन में कितना होगा, 6 पाली, 6 पाली आप लोगों को प्रत्येक पाली में 2-2 को सब्जेक्ट का एग्जाम लिखना होगा। आप लोगों का भी सेम वही टाइम है, बस आप लोगों का यहाँ पे सब्जेक्ट दिया गया नहीं है, क्योंकि आप लोगों का बहुत सारा सब्जेक्ट होता है, इंटर के लिए अलग सब्जेक्ट होगा, फिर आर्ट्स के लिए अलग, फिर कॉमर्स के लिए अलग, ये आप लोगों का एडमिट कार्ड में दे दिया जाएगा। आप लोगों का जो फॉर्म फिलअप का डेट था आप लोगों का 13 नवंबर तक था ना, और आप लोगों का जो लास्ट डेट है, लास्ट डेट 13 नवंबर तक था, लेट फाइनिंग के साथ 18 नवंबर तक। तो आप लोगों का जो एडमिट कार्ड है वो आप लोगों का 25 नवंबर के बाद आ जाएगा, ठीक है। और आप लोगों का एडमिट कार्ड में सारा क्लियर हो जाएगा, आप लोगों का एग्जाम टाइम क्लियर हो जाएगा, सेंटर क्लियर हो जाएगा। और सेंटर इस पर बता देना कि आप लोगों का जो सेंटर अधिक हो सकता है, क्यों अधिक हो सकता है, क्योंकि COVID-19 के चलते जिसका COVID-19 का निर्देश है 2 गज दूरी, तो उस सबको देखते हुए क्या हो जाएगा, किस हो सकता है किसी किसी सेंटर में इतना सारा बच्चा का क्या एडजस्ट नहीं हो पाएगा, इसीलिए आप लोगों का सेंटर बढ़ा दिया जाएगा, उसका भी काम चल ही रहा है। तो इस वीडियो में आप लोगों को बताना चाहते हैं वैसे विद्यार्थी जो इस बार बोर्ड एग्जाम लिख रहे हैं, और या फिर कोई ऐसा है जो इस बार नहीं लिख रहे हैं, फिर आप वीडियो देख रहे हैं, तो आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि उन्हें भी इसका जानकारी मिले। और जो मॉडल सेट जो आ चुका है आप लोगों का 10वीं बोर्ड और 12वीं बोर्ड का, उसका सोल्यूशन भी आप लोगों को कल से मिलना शुरू हो जाएगा, यानी कल यानी 4 तारीख से मिलना शुरू हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को ये सारा अपडेट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और आप लोगों का जो एग्ज़ाम कितना मार्क्स का होगा, तो आप लोगों को और सारा वीडियो में बता दिए कितना 40 मार्क्स से होगा, 40 मार्क्स करके होगा। और जो 40 मार्क्स करके अगर ओमेट सीट में देना होगा, फिर और एक बात है कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम होगा 2 टर्म में होगा, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, आप लोगों का कौन सा टर्म का है, फर्स्ट टर्म का है, सेकेंड टर्म कब होगा, ये तो हम लोग कब था, दिसंबर हो, आप लोगों का कितना में हो जाएगा, जो अप्रैल सब में आप लोगों का लेने की संभावना बोला गया है, तो कोई गारंटी नहीं है कि आप लोगों का अप्रैल सब में होगा, क्योंकि COVID-19 के चलते क्या हो सकता है, डेट में परिवर्तन भी हो सकता है, ठीक है। और एक बात बताना चाह रहे हैं, इसमें जो आंतरिक मूल्यांकन और प्रायोगिक परीक्षा जो होने होता है ना बोर्ड एग्जाम के लिए, 10वीं 12वीं बोर्ड के लिए क्या होता है, आंतरिक मूल्यांकन और प्रायोगिक परीक्षा, वैसे सब्जेक्ट जो प्रायोगिक सब्जेक्ट है उनके लिए प्रायोगिक परीक्षा होता है 10 नंबर का, फिर जो आंतरिक मूल्यांकन वैसे सब्जेक्ट में होगा जिसमें प्रायोगिक नहीं होता है, ठीक है, उसका निर्णय अभी तक लिया नहीं गया, वो जल्द लिया जाएगा, उसका भी आप लोगों का स्कूल में बुलाया जाएगा। इसीलिए आप लोगों को बताना चाहते हैं कि अभी आप लोगों का बहुत सारा काम है बोर्ड एग्जाम जो जो लिखने वाले हैं ऐसे विद्यार्थी लोग 10वीं 12वीं बोर्ड के लिए, आप लोगों का समय कम है, काम ज़्यादा, फॉर्म फिलअप करना है, एडमिट कार्ड लाना है, आप लोगों को फिर क्या बोलते हैं आंतरिक मूल्यांकन वगैरह सब देना है, आप लोगों को प्रायोगिक जमा करना, आप लोगों का बहुत कम टाइम है पढ़ने के लिए, ज़्यादा टाइम पढ़ाई में बिताइए अभी, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को पहला वीडियो अच्छा लगा, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।